एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? और अभी सुबह का टाइम है तो मैंने सोचा चलो अभी से स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। तो चलिए, फिर मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया। अभी अभी मैंने दो वीडियो अपलोड किए हैं, एक हिंदी में और एक संबलपुरी में। तो आप लोग ज़रूर देखना गाइस दोनों वीडियो को। और मेरा संबलपुरी का जो वीडियो है उसका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, आप लोग जाके दे सकते हो। तो चलिए फिर अभी मैं चलती हूँ नहाने के लिए, और फिर मैं नहा के आने के बाद कुछ नाश्ता वगैरह बनाऊंगी और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो अभी ना मैं नहाने जाने वाली थी, मैंने आपको कहा भी था कि मैं अभी नहाने जाऊंगी, लेकिन ना क्या हुआ कि नल जो है वो बंद हो गया है। पता नहीं कैसे बंद हो गया, क्योंकि कभी तो बंद नहीं होता इतना जल्दी, लेकिन आज ना फट से बंद हो गया। तो इसी वजह से, और गर्म पानी नहीं होने से ना आजकल नहाया नहीं जा रहा है। और जो टंकी के पानी है ना उसमें तो बिल्कुल भी नहा नहीं सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। तो मैंने सोचा चलो जब पानी देगा ना, और ऐसा होता है कभी कभी कि पानी देता है और फिर बीच में थोड़ा सा बंद हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद फिर देने लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले नाश्ता कुछ बना देती हूँ। और मैं ना, हमारे यहाँ ना बिना नहाए कोई भी नाश्ता नहीं बनाया जाता, लेकिन पानी की वजह से मैंने सोचा चलो पहले नाश्ता बना लेती हूँ। और वैसे नाश्ता में मुझे कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि रोटी बचा हुआ है कल का रात का, तो इसी वजह से मैं कल की रोटी को जो है गर्म कर दूंगी। तो बस मैं अभी थोड़ा सा चाय बना देती हूँ पहले, और मैंने ब्रश व्रश सब कुछ कर लिया है, बस मुझे नहाना है। और कपड़े भी मैंने मतलब कपड़े भी मैंने भिगोए हैं धोने के लिए, कपड़े भी धोना है मुझे। तो बस, और इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो पहले चाय बना लेती हूँ और फिर मैं आराम से नहाऊंगी। और अभी मैंने दूध को गर्म किया है, ये दूध है और इसमें मैंने गर्म किया है दूध। और ये ना ये कल का दूध है, जो कि मुझे लगा कि ये फट जाएगा चाय बनाने से, तो मैंने पहले दूध को गर्म किया और गर्म करते ही ये दूध ना फट गया। तो अच्छा हुआ कि मैंने चाय में नहीं डाली, नहीं तो मेरा चीनी और चाय पत्ती सब बेकार हो जाता। तो मुझे लगा था कि ये फट जाएगा शायद, मुझे ऐसा लगा था, तभी मैंने पहले इसको गर्म किया। और आप देख सकते हो ये गर्म करते ही मेरा ना ये फट गया है। तो इसको मैं ना अभी थोड़ा सा चीनी दे दूंगी और पूरा मतलब इसका जो पानी है वो सूखने तक इसको फिर से थोड़ा सा उबाल लूंगी, तो अच्छा लगेगा खाने में। तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी मेरा दूध फट जाता है ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ। पैन के नुआन में गाधे हैं नुए पैन नहीं ना जी नुए गाधे हैं पैन ना ना जी पैन ना ना जी गरम पैन नुए गाधे मोरम पैन ना दूँ नॉलेज ना जी हम ये चचरा पैन गाधे मैंने ना जी ले दे ऐसी बा गुरास बस इसमें चाह के बनने से कुछ है ये तो चाह बना लियो गाधे ये गुरास के तपाली की चिड़ी होला कितने का नाल गुरास अधा के जी गुरास के आज रट टूटा इटा कल का काल के पर दिन अटै जे छिड़ी छिड़ी गला आ गया तो ये थी चीनी थी। और अभी मैं आ गई हूँ नहाकर, और अभी ना मैंने पूरा ठंडे ठंडे पानी से नहाया है, बहुत ज्यादा ठंडा था पानी। और वैसे तो पानी नल जो है वो और नहीं दिया, तो इसी वजह से मैंने ठंडे पानी से ही नहा लिया है। और अभी करेंगे हम लोग नाश्ता, और नहाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन पर, और किचन में मैं कुछ अभी नाश्ता बनाऊंगी। और नाश्ता मतलब रोटी जो है मैं बना के गरम करके ही गई थी, तो अभी हम लोग बस खाना बाकी है। तो अभी मैं चलती हूँ थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि मुझे कल का जो गेहूं है ना उसको थोड़ा सा और सुखाना है। और ऊपर थोड़ा सा बैठूंगी मैं, क्योंकि अच्छा धूप निकला है, तो आज मैं जो ठंडी का पानी ठंडा पानी से मैंने नहाया है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर धूप में बैठूंगी और बाद में आराम से खाना बनाऊंगी। तो चलिए फिर हम लोग ऊपर ही आज नाश्ता करते हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं छत पर, और मैंने जो कल सुखाए थे गेहूं उसको भी फैला दिया है, और वैसे तो वो सूख चुका था लेकिन ना थोड़ा सा बस फैलाना बाकी था, तो थोड़ा सा आज मैंने फिर से उसको फैला दिया है, और आज शाम को ही मैं उसको पिसवाने के लिए दे दूंगी। तो अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं, नाश्ता कर रहे हैं ऊपर, क्योंकि
आज पानी से नहा है तो थोड़ा सा हवा ज़्यादा ही ठंड लग रहा है। तो बस, और रात की जो रोटी था उसको गर्म किया था मैंने, और फिर जो दूध है ना वो फट गया था, तो उसमें मैंने कुछ शक्कर दे दिए हैं और उसको ना मैं रोटी में ही खा रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। तो और जो नमकीन और जो मुर्रा होता है उसको भी मैंने प्याज और कुछ सूखे मसाले देकर ना अच्छे से उसका जो झालमुड़ी टाइप का बनाया हुआ है, तो उसको हम लोग अभी खा रहे हैं और साथ में चाय भी ले रहे हैं। और हस्बैंड को भी अच्छा लग रहा है ऊपर आज खाने में, क्योंकि वो भी नहा चुके हैं और वो सुबह ही नहा लेते हैं। तो चलिए फिर हम लोग खा लेते हैं गाइज, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी टाइम के बाद। तो चलिए गाइज, अभी हम लोगों का नाश्ता हो चुका है, तो अभी मैं चलती हूँ नीचे और बनाती हूँ खाना। और अभी टाइम हो रहा है, अभी शाम का टाइम है, तो अभी इस वक्त 5:30 बज रहे हैं। तो सुबह मैं खाना बनाने के बाद ना, सॉरी, मैं ऊपर से नाश्ता करने के बाद फिर और कोई भी वीडियो नहीं किया, तो बस मैं अभी जो गेहूं है उसको रख रही हूँ और इस तरह से नाप कर मैं डायरेक्ट बैग में ही दे रही हूँ, क्योंकि इसको मुझे पिसवाना है, तो मैंने सोचा कि चलो डायरेक्ट बैग में ही रख लेती हूँ। तो बस, और 5:30 बज रहे हैं अभी, और जो शाम का झाड़ू वगैरह था वो मैंने कर लिया है, और करने के बाद फिर कपड़े और जो गेहूं है उसको लेने आई हूँ, और जो अचार का डिब्बा है उसको भी, तो अभी कपड़े भी ले लूँगी। और अभी माही भी मेरे साथ आई है, और उसकी मम्मी भी जो कपड़े सुखाई थी ना, तो वो भी लेने आई हैं। तो बस मैं अपना जो कपड़े हैं वो तय करके ही ले जाऊंगी, और अभी शाम का टाइम है तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रखा है, बहुत ही आराम से जो सूर्य है वो अभी जा रहे हैं। हेलो गाइस, तुम लोग कैसे हो? अबे आज आप लोग देख रहे हो ना गाइस कि माही किस तरह से अपना बकबक चालू कर रही है, और वो अपनी मम्मी को भी दिखाई आप लोगों को, क्योंकि मैंने कहा था कि माही तुम्हारी मम्मी को गाइस लोगों ने नहीं देखा था, तो वो अपनी मम्मी को आप लोगों को दिखाई, आप लोगों ने देखा ना।
और बहुत दिन ब दिन ना ये बहुत ज्यादा बदमाशी करते जा रही है, बहुत ही ज्यादा आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा बदमाशी कर रही है आजकल। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं और अभी ना मैं गेहूं को जो है डायरेक्ट मैंने बैग में रख दिया है और मैं नाप के रखती हूँ, तो अभी मैं उसको पिसवाने दूंगी। और अभी जो कपड़े भी मैंने सुखाए थे उसको मैं ले रही हूँ, अभी तय कर दिया है मैंने, बस लेके रखना है गाइस। तो चलिए फिर चलते हैं। और आज का मेरा ब्लॉग ना यहीं तक का था, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।